दोस्तों, क्या आपके मोबाइल का नेट भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है? जैसे ही आप जो है वो किसी भी ऐप को ओपन करते हो तो वो आपका ऐप जो है वो ओपन ही नहीं हो पा रहा। अगर ओपन हो रहा है तो उसमें जो है वो कुछ प्ले नहीं हो पा रहा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपने मोबाइल का डाटा जो है वो ऑन करके रखा है, फिर भी अगर आपके साथ सेम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि मेरे को आ रही है, तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो? कैसे, अगर आपके मोबाइल का डाटा जो है वो स्लो चल रहा है तो आप उसको कैसे फास्ट कर सकते हो? सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी होगी अपने मोबाइल फोन में, उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो अपनी फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी सेटिंग मिस कर दी तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आपने सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद में आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ड्यूल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। आपके मोबाइल फोन में जो है वो अकेला मोबाइल नेटवर्क के नाम से भी हो सकता है, तो जिस भी नाम से होगा आपने जो है वो वहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में दो सिम होगी तो आपको दोनों सिम का जो है वो बताया जाएगा, अगर आपके मोबाइल फोन में एक सिम होगी तो आपको जो है वो एक सिम का ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो सेटिंग क्या चेक करनी है, वो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेटवर्क मोड। तो आपने सिंपली से यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने चेक करना है कि कहीं आपका यहाँ पर जो है वो 2G या 3G पर सिलेक्ट तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो है वो 2G या 3G पर सिलेक्ट होगा, अगर आपकी सिम जो है वो 4G भी होगी तब भी वो आपका डाटा जो है वो 3G 2G पर ही चलाएगी, अगर आपका जो है वो 3G या 2G पर सिलेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो है वो यहां से जो है वो 3G डाटा पर जो है वो सिलेक्ट करके रखा है। तो आपने यहां पर चेक क्या करना है, आपने यहां पर चेक करना है कि आपके यहां पर जो है वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, 4G 3G 2G, आपने इस वाले ऑप्शन पर जो है वो सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद में आपका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फास्ट चलने लग जाएगा। पहली सेटिंग दोस्तों ये होगी कि आपने यहाँ पर जो है वो 4G 2G 3G वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपने चेक क्या करना है, अगर आपके मोबाइल फोन में दो सिम है तो आपने चेक क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है वो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाटा, उस आपने सिंपली से यहाँ पर करना है क्लिक। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वही वाली सिम सिलेक्ट है जिस सिम में जो है वो आपने अपने डाटा को डलवाया है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि सिम 1 में हमने डाटा डलवाया होता है और यहाँ पर जो है वो डाटा वाले ऑप्शन में जो है वो सिम 2 सिलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमको ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपने यहाँ पर चेक क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पर वही वाली सिम सिलेक्ट करनी है जिस सिम में आपने अपने डाटा को डलवाया है। आपने डाटा वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, उसके बारे में वही सिम आपने सेलेक्ट करनी है जिस सिम में आपने डाटा डलवाया है। जैसे ही आप वो सिम सेलेक्ट कर लोगे जिस सिम में आपने डाटा को डलवाया है, उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको जो है अब आपको जो है वो YouTube प्ले करके बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले मेरी YouTube जो है वो ओपन नहीं हो पा रही थी, जैसे ही मैंने उस सेटिंग को किया तो उसके बारे में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।